एक्चुअली उधर जो आप छोटे छोटे मार्केट देख सकते हैं उधर वो मैगी पॉइंट है, लाइक पीपल जस्ट लव ईटिंग मैगी ओवर हियर। आपको खिलाते हैं, आ जाओ एक मैगी। वेज वी हैव रीच्ड ऋषिकोंडा। ये मेरा बहुत लवली स्पॉट है, इसमें बहुत सारे इधर बहुत सारे मेमोरीज है मेरे। हेलो गाइज, इन दिस एपिसोड आई विल टेक यू थ्रू माई ब्यूटिफुल सिटी विशाखापट्टनम। It is one of the rarest place where you find hills and beach at the same spot, and eventually you know you are blessed and you find peace over here. Itna beautiful shehar hai, shant ka shehar hai, you know, shanti milti hai jab bhi aapko kuch lage ki you know you are feeling low or feeling whatever it is, you know I usually go out for a ride, चाय कॉफ़ी कभी पी लिया दोस्तों के साथ, कभी बातें बातें कर लिए, नॉर्मल हैंग आउट। दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स यू नो विच गिव्स मी हैप्पीनेस। सो राइट नाउ विल बी गोइंग टू वन ऑफ द बीचेस, ऋषिकोंडा बीच। इट हैज़ बीन लाइक अ ओल्ड स्पॉट ड्यूरिंग माय कॉलेज एंड स्कूल टाइम्स। यूजुअली आई यूज्ड टू गो अ लॉट ओवर देयर। आई जस्ट वांट टू शो यू देयर हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वेज वी हैव रीच्ड ऋषिकोंडा। ये मेरा बहुत लवली स्पॉट है, इसमें बहुत सारे इधर बहुत सारे मेमोरीज है मेरे। एक्चुअली उधर जो आप छोटे छोटे मार्केट देख सकते हैं उधर वो मैगी पॉइंट है, लाइक पीपल जस्ट लव ईटिंग मैगी ओवर हियर। सो ऑल द कॉलेज पीपल यू नो द स्कूल एवरी वन लॉट ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो जस्ट कम हियर हैव मैगी दोज ब्रेड ऑमलेट्स एंड स्टफ। तो इधर आके बचपन की याद आ जाती है, और जैसे हम सब दोस्त लोग बैठते हैं इधर आके, आपको खिलाते हैं, आ जाओ एक मैगी। ब्रेड ऑमलेट नहीं यार, एग मैगी जैसे ना, ना डबल एग मैगी एक। टेस्ट करते हैं अभी, बहुत लॉन्ग मतलब मैगी खा के। अभी तो हमने खा ली मैगी, यादें ताज़ा हो गई। चलो बीच भी देखना हो गया, अभी चलेंगे थोड़ा पहाड़ के साइड में। टेनिटी पर एक्चुअली वेरी ओल्ड मेमोरी इज देयर। एक्चुअली देर यूज टू बी अ स्क्रीन ओवर देर, जो IPL मैचेस वगैरह डालते थे उधर, यू नो बहुत पहले 2008, 10, 11। सो कम सिट एवरी वन ओवर हियर एंड वॉच द मैच। तो ये शिप का एक स्मॉल कहानी है। तो आई थिंक उस साइड में एक रात को नॉर्मली आई वॉज जस्ट ड्राइविंग बाई द रोड एंड सडनली ह्यूज शिप वॉज विजिबल ओवर हियर, बहते बहते इधर आ गया इधर तक। एंड फ्यू पीपल फ्रॉम सम कंट्री या पता नहीं श्रीलंका या बांग्लादेश से वेर फाउंड आउट हियर एंड नो दे वर सेंट बैक ऑल्सो। एंड वाइजैग इज़ फॉर्चुनेट टू हैव इट हियर एंड इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट टू अस। एंड we also have a submarine also which is in RK beach ke side mein। So abhi hum pahunch gaye Arku coffee, Arku valley coffee। To iska ek chhota sa story hai। Vizag mein ek hill station hai Arku which is you know near 100 kilometers, and what is special about it is they have a coffee plantation and we can just have a taste of what it feels like of Arku coffee। और अपन अर्कू कॉफ़ी तो पियेंगे, उसके साथ अलग से वी नो विल हैव शरबत, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। हमा कॉफ़ी ओगटी मारेड ओगटी। मज़ा आया बड़ा इस मौसम में, तो ये बनता है। अभी अपन जाएंगे कैलाशगिरी, और ये भी वन ऑफ द ओल्ड स्पॉट्स है। एंड उधर एक्चुअली एक बड़ा शिव जी का मूर्ति भी है, और जैसे आप देख सकते हो पूरा सिटी दिख रहा है इधर से, और बीच भी दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था पहाड़ और बीच एक ही जगह में बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो गाइस अभी हम आ गए अभी कैलाशगिरी। तो इट इज़ अ स्मॉल पार्क हिल पे, तो अभी देखते हैं अपन चलते हैं।
Let's have a small sight and view for this beautiful place. I usually used to visit when I was like child, I mean like 10, 12 years old. I used to visit with my parents, family a lot over here. Oh, this is such a beautiful place. Lots of, you have this park sort of thing. You can like come play here. So a lot of memories are here also. And it's a big Shivji ka murti. So this is the viewpoint, the best scenic view you'll have Vizag, where you can literally see the beach, the hills covering or the same place. So guys, ye tha mera shahar. Kuch purane yaadein aur kuch bahut sundar jagahein. Hopefully aapko pasand aaya and milte hain next episode mein. Thank you.